कभी भी मैं एक बात करूंगा आप लोगों से, पर्सनल मुस्लिम भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, नौजवान साथियों से, आने वाली पीढ़ी से मैं ये कहूंगा कि मालिक नहीं सेवक चुनना चाहिए। मालिक की आवश्यकता नहीं है। आज राजू तिवारी जो है वो मालिक नहीं सेवक है। हम मालिक जनता होता है, वो सेवक है, आपके सेवा करने के लिए रखे हैं। विकास भी उन्होंने किया है, चौतरफा विकास किया है, रोड हो, पंप हो, ये सब उनका विकास है। धान चावल वो नहीं देंगे, उनका बड़ा काम के लिए रखा गया है, उसके लिए पंचायत के वार्ड है, मुखिया जी हैं, समिति है, ये लोग ये काम करेंगे, उनके लिए बड़ा काम का आवश्यकता है। इसी पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पीर हो गई है पिघलनी चाहिए, पीर हो गई है पिघलनी चाहिए, गंगा से कोई गंगोत्री निकलनी चाहिए, आखिरी बार गोविंदगंज विधानसभा से राजू भाई को निकलना चाहिए। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे बड़े भाई गार्जियन है राजन भैया को, वो हमें कुछ अपनी बात को रखें। युवा गांव में तमाम अपने इस्लाम को मानने वाले अपने गार्जियन को मैं सलाम अलैकुम आदाब करता हूँ। देखिए ये चुनाव का जो महापर्व आपके बीच में आया है, हमारी लड़ाई यहाँ किसी से नहीं है, मान सम्मान और स्वाभिमान की है। अगली बार राजू तिवारी जी चुनाव लड़े थे एनडीए गठबंधन से, और गठबंधन में हम लोग रहते हुए इस गांव में मैं प्रचार करने आया था, तो मैं मुसलमान भाइयों से उतना आग्रह नहीं किया था, क्योंकि उस समय एनडीए गठबंधन में थे और आप लोगों को कुछ नाराजगी थी, तो मैंने किसी से नहीं कहा कि आप मुझे, हमने कहा जिसको अच्छा लगे अपना कैंडिडेट वो वोट देगा, जिसको अच्छा नहीं लगे वो वोट नहीं देगा, हम एक अगर इस गांव में गए। लेकिन इस चुनाव में मैं आपसे आपका बहुमूल्य मत मांगने आया हूं। 2020 का इलेक्शन गोविंदगंज के भविष्य का इलेक्शन है, यहां से कैंडिडेट खड़े हैं तीन, वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन तीन कैंडिडेट मूल रूप से हैं। पांच वर्षों में आपके बीच में कौन रहा, आपका सेवा कौन किया? राजू तिवारी एनडीए गठबंधन में रहने के बाद भी, बावजूद भी, मेरे दरवाजे पर कोई मुस्लिम भाई गया होगा तो कोई अपमान का घूट वहां नहीं किया होगा, कोई वो भी मेरे दरवाजे पे गया तो सबकी तरह जो सबको मिलता है सम्मान, वही सम्मान उसको भी मिला, उसको भी चाय मिला, पानी मिला और वही प्यार मिला। उसी प्यार के आधार पे मैं फिर आपके गांव में आया हूं। यह चुनाव राजन तिवारी के सम्मान का चुनाव है। मैं जा रहा था बेतिया से चुनाव लड़ने, आप लोगों सबको पता था मैं आरजेडी में था, किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिला, ऐसी परिस्थिति आई कि मुझे भी भाजपा में जाना पड़ा था, लेकिन आपके सम्मान के लिए, आपके मान के लिए मैंने कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, आप लोगों को लेकर चलने का काम किया, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा सेक्युलरिज्म बसता है। सबका साथ सबका विकास का मतलब यही है कि सब जाति धर्म सब मजहब को लेकर चलो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कोरोना काल आया, इस कोरोना काल में हम दोनों भाइयों ने सबका दुख दर्द बांटा है, कोरोना काल में गरीब को खाना और सब कुछ पहुंचाने का काम किया, और जो बाहर से लोग आते रहे उन लोगों को रास्ते में भोजन बिखराने का काम किया। बीमारी आपदा और विपदा या जात पुष्ट कर नहीं जाती किसी के घर में, ये किसी को भी हो सकती थी। कोरोना में सेवा करने के दरमियान मेरी पूरी फैमिली कोरोना से ग्रसित हो गया, मैं तो इतना ग्रसित हो गया कि मुझे दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन आपकी दुआओं ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मृत सैया के ऊपर जाने के बाद कोई बचकर नहीं आता है मेरे भाई, मुझे कोरोना में निमोनिया हो गया और मैं निमोनिया से बचकर आया सिर्फ आप लोगों की दुआ थी। और इस गोविंदगंज का भविष्य मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 5 साल पहले यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी आए थे आपके गांव में और बहुत अच्छा वोट आपके गांव से मिला था कांग्रेस के प्रत्याशी को, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 वर्षों में कभी आपका दुख दर्द उन्होंने बांटा, कभी आपका आपसे दुख दर्द पूछा, कभी आपका फोन उन्होंने उठाया? नहीं उठाया तो ऐसे कैंडिडेट से क्या फायदा जो पूरे क्षेत्र को सिर्फ धुएं और सिगरेट में उड़ाते चलता। कैंडिडेट की आप इस बार कैंडिडेट पर मत जाइए, कैंडिडेट पर वोट कीजिएगा, पार्टी पे नहीं, पार्टी को नहीं देखना,
हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी 24 घंटा तक हमेशा किस तरह देश का और पूरे बिहार प्रदेश का एक भी गरीब ना मरे इसलिए 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का काम किया। ये प्रधानमंत्री जी का सोच नहीं था, हमारे रामविलास पासवान जी का सोच था कि रामविलास पासवान जी जिस मंत्रालय में गए, जिस सरकार में गए, 7 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया और 7 प्रधानमंत्री के क्रियाकलाप उनको देखिएगा तो जिस विभाग में रामविलास पासवान गए उस विभाग को चमका के रख दिया। आज हर गरीब के हाथ में जो मोबाइल दिखता है उसका किसका देन है? रामविलास पासवान जी का देन है। रेल से लेकर के, संचार से लेकर के, और जब ये फूड मंत्री बने तो कोरोना में किसी महामारी में उनकी सोच थी कि कोई गरीब भूखा ना मरे, 24 घंटा उन्होंने मंत्रालय में काम किया और यहाँ तक इतनी बीमारी के बावजूद भी वो लगे रहे। अंत में अपने मिट्टी में चले गए, उनकी मिट्टी मरे, शहादत दे दी उन्होंने, अपने आप को बलिदान कर दिया एक तरह से मानिए, मृत्यु के आगोश में चले गए लेकिन किसी जनता को भूखे मरने नहीं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं रामविलास पासवान जी की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राजू तिवारी जी को अपना बहुमूल्य मत इतना दीजिए और इतना दीजिए कि यहाँ पे जो राधा मोहन से हमारी लड़ाई है राधा मोहन से और राधा को इस चुनाव के बाद हम आधा कर देंगे। मुझे अब कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये गोविंदगंज में अगर आप लोगों ने मान सम्मान देकर इस बार भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम अगर आप करेंगे तो लोकसभा में मैं यहाँ से चुनाव लड़के राधा मोहन को हराने का काम करूंगा। मेरा मिशन ये नहीं है, मेरा मिशन राधा मोहन से बदला लेने का है। राधा मोहन कितने बड़े गद्दार आदमी है उसी से आप समझ लीजिए कि राधा मोहन सिंह जी ने अपने जीवन काल में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को पढ़ने नहीं दिया। महेश्वर सिंह जी थे, उनको किस तरह काटा कि महेश्वर सिंह जी राजनीति में उनको भी डुबोने का काम किया। हमारे विधायक अवधेश जी थे, अवधेश कुशवाहा जी थे, उनको भी बर्बाद करने का काम किया। राजेंद्र गुप्ता जी थे, उनको भी बर्बाद करने का काम किया। राधा मोहन सिंह ऐसा कोई सगा नहीं जिसको राधा मोहन ने ठगा। अरे मैं तो कहता हूँ राधा मोहन जी से कि जितनी शक्ति आप लगा रहे हो गोविंदगंज में राजू तिवारी जी के खिलाफ पूरे जिले में जाकर देखो। आज राजू तिवारी और राजन तिवारी राधा मोहन सिंह मन से बोलते हैं कि गोविंदगंज का अपराध खत्म करना है तो कमल को खिलाना है। अरे भाई गोविंदगंज में अपराध कब था? अपराध को तो गोविंदगंज से खत्म कर दिया, उसका मूल नाश कर दिया जिसका नाम है राजन तिवारी। अरे अपराध और अपराधी बढ़ाते हो तुम, राधा मोहन जी तुम बढ़ाते हो। मुझे याद है देवेंद्र दुबे जी जिंदा थे, उनके रीजन में गोविंदगंज में देवेंद्र दुबे जी ने भी उनको मदद किया लेकिन देवेंद्र दुबे वो छल करने का काम किया, देवेंद्र दुबे के साथ भी छल करने का काम किया जिसका नाम है राधा मोहन। गोविंदगंज में बदला लेना है, राधा मोहन को ढोकिया पाट पटक देना है। यहाँ पे कांग्रेस से हमारी लड़ाई नहीं है, चूंकि कांग्रेस का प्रत्याशी ही नहीं है उस लायक, हमारी लड़ाई राधा मोहन से। आप लोग अगर विचलित हो गए, आप लोग अगर इधर उधर देखोगे, आप लोग कांग्रेस की तरफ देखोगे, मैं नहीं कहता कि आप लोग कांग्रेस की शिकायत नहीं करता, मैं कैंडिडेट की शिकायत करता हूं। अगर आप लोग इधर उधर देखोगे तो यहां से पुल खिल जाएगा और राधा मोहन सिंह यहां से फिर जो सपना देखा है वो पूरा कर लेगा। उस सपने को नहीं पूरा होने देना है, इतना वोट दीजिए आप लोग कि राधा मोहन सिंह उठने का नाम न ले और दबता चला जाए और दब जाए। आप लोगों को 1995 में गोविंदगंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, 2800 वोट मिला था उसको, तो इतना वोट से उसको हरा दो कि दोबारा फिर नाम न ले कोई यहां लड़ने की। अरे भाई मैं ठीक रहूंगा, आप ठीक रहोगे तो आपस में हम दोनों भाई लड़ते रहेंगे और मिलते रहेंगे, तीसरा क्यों फायदा उठा ले यहाँ पे? एक तीर से कई निशाना लगाया उन्होंने। जदयू के कोटा में सीट थी तो भारतीय जनता पार्टी के कोटा में ले लिया, वहां मीना द्विवेदी को मिस कर लिया। आज मीना द्विवेदी जी मंच पर जाकर कहीं कहीं भाषण भी दे रही हैं, उनको ख्वाब दिखा दिया कि मैं आपको एमएलसी बना दूंगा। अरे तुमने आज तक जिले में किसी को एमएलसी बनाया नहीं तो मीना देवी को क्या एमएलसी बनाओगे? मीना देवी ने भी अपनी राजनीति खत्म कर दी।
उनकी जो राजनीति थी, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा था दुबे परिवार का, उसको भी उन्होंने नष्ट कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि आपका टिकट किसने कटा, ये गठबंधन की सीट को लिया किसने अपने कोटे। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले 3 तारीख को ईवीएम मशीन के जो सीरियल नंबर 4 पे है बंगला छाप, राजू तिवारी के फोटो के सामने जो बंगला निशान है उस पर बटन दबाइए और भारी मतों से चुनाव दबाइए। मैं हमेशा आपका नुमाइंदा रहा हूँ, हमेशा आपका सेवक रहा हूँ, हमेशा आपके लिए काम किया। गोविंद में देखिए मेरे कामों के बारे में, राजू तिवारी ने काम किया वो दिखाई देता है, तो राजन तिवारी का भी काम आप लोगों को पता करना चाहिए। गोविंद विधानसभा में जाकर मदरसों में कंप्यूटर लगाने का काम किसने किया, राजन तिवारी। मदरसा में जनरल करने का काम किया तो किसने किया, तो राजन तिवारी। पहली बार पूरे बिहार में कब्रिस्तान की चार दीवारी लगानी थी तो सबसे पहले कब्रिस्तान की चार दीवारी का घेराबंदी, उसमें सरकार की मान्यता नहीं था, लेकिन कब्रिस्तान की चार दीवारी का काम शुरू कराने वाला राजन तिवारी। मैं इस सिस्टम को शुरू किया, मेरे बाद 2002 में सरकार ने पास किया कि कब्रिस्तान की घेराबंदी होनी चाहिए, मेरे बाद। लेकिन मैं उस समय दरियापुर में, देख लीजिए दरगाह पर, देख लीजिए हमारे गांव के बगल वाला में, देख लीजिए कहीं भी कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का काम हमने शुरू किया। हम हमेशा आप लोगों को गले मिलाकर चलने का काम किया, हमेशा आपके दुख दर्द में बांटा, हमेशा आप लोगों का काम किया। तो मैं इस बार जो आप लोग मत का विभाजन मत करिएगा, अगर आप लोग मत का विभाजन करेंगे, हमारी लड़ाई कांग्रेस कहीं लड़ाई नहीं है, आप लोग पता कर लेना। आज यादव लोग राजन तिवारी के साथ हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग चाहते हैं इस बात को कि 5 वर्ष में वो आदमी, हाँ, और उनको आप लोग वोट देते जब आपके दुख दर्द में 5 साल तक रहते और बांटते, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोरोना काल हो, कभी वो कहीं दिखाई तक नहीं दिए, यहां तक कि आपके अनुमंत्रण जाता हो तो उसमें भी वो कभी नहीं आए होंगे। तो जो व्यक्ति आपके दुख दर्द में नहीं रहा हो उसका वोट अगर आप लोग देते हैं तो आप लोग अपने मत को बेकार करते हैं। अगर मत इधर से उधर आप लोग दिए तो राधा मोहन को जीतने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए मत को एक तरफ देना। और चिराग पासवान ने जो सपना देखा है बिहार का, बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट का जो नारा दिया है उसको आप लोगों को पूरा करना है, बिहार के मान सम्मान के लिए। रामविलास पासवान जी को आप लोग याद होगा कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री का मान करने वाला कोई नेता अगर था तो उसका नाम था रामविलास। ये सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट मुझे नहीं चाहिए, जो दोनों हाथ से ताली बजाई थी दोनों हाथ से हम लोग को वोट चाहिए। आपसे अनुरोध है पूरे विधानसभा क्षेत्र में गोविंदगंज में चारों तरफ गंगा कराना चाहता है, लेकिन हमारे गोविंदगंज आज तक कभी कुछ हुआ नहीं, हमारे गोविंदगंज में कभी कोई दंगा नहीं करा सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे मुसलमान भाई और हमारे हिंदू भाई यहाँ आपस में मिलकर रहते हैं, एक साथ बैठ करके हम लोग पार को हो या आर हो बैठ कर चाय के दुकान में चुस्की लेते हैं और राजनीतिक बात करते हैं। अपनी जगह है राजनीतिक, अपनी जगह है, लेकिन हम लोग का प्यार आपस में होना चाहिए, प्यार बढ़ना नहीं चाहिए। अगर हम लोग का बढ़ा तो राजा मोहन सिंह जैसा लोग आकर के उसका फायदा उठा ले। देखिए उनको सारी शक्ति, पूरी शक्ति अपना उसने गोविंद में लगा दिया है, लेकिन यहाँ तो होता है ना कि मूस की तरह छेद भी उसको नहीं मिल रहा है कि हम पानी, यहाँ तो सारा तरफ मुझे जहां दिखता है वहां राजू राजू दिखता दिख रहा है, सारे मुस्लिम बस्ती सारे लोग चल दिए हैं राजू की तरफ, और उसका राजू तिवारी का विकास बोलता है पहाड़ और गोविंदगंज का। तो मैं जानता हूं, मैं हर घर में पैदल गया। बताइए आपको ऐसा, पहली बार भाग्यशाली लोग हैं आप लोग, दो बार से, अगली बार आप लोग राजू तिवारी जीत आया तो एक पर एक फ्री पाया, एक पर एक फ्री का मतलब समझ लीजिए, एक विधायक को वोट दोगे पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं आप लोग ऐसा नहीं मिलता होगा, एक विधायक को वोट दोगे दो विधायक आपको मिलेगा, एक पर एक फ्री काम मिलेगा गोविंदगंज में, एक पर एक आप लोग को फ्री तभी मिलेगा जब आप लोग अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिएगा, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तेदार में, अपने सगा संबंधियों में जाकर के
बताना होगा कि कौन यहाँ फूल को मुरझा सकता है। वो एक ही शख्स है जिसका नाम है छोकर बगला। उन सबों के जो सपना देखा है राधा मोहन सिंह, अगर आप लोग भाई मेरे, मैं करवट चौक का हाथ जोड़ता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, ये लड़ाई राजू तिवारी की भी नहीं, ये राजन तिवारी को नीचा दिखाने के लिए काम किया गया, राजन तिवारी को नीचा दिखाने काम किया है, ये मेरे मान सम्मान की लड़ाई। अगर आप लोग यहाँ से जीता लोगे चुनाव इस बार भारी बहुमत से, तो दिल्ली तक खींच जाएगी। सुशील मोदी को उसकी औकात बतानी है, नीतीश कुमार को औकात बताना है, सुशील मोदी को भी उसकी औकात बता देनी है कि तुम्हारी औकात गोविंद में कुछ नहीं है, गोविंदगंज में जो है वो हम लोग। मैं ऊपर वाले से अल्लाह ताला से यह दुआ करता हूं कि अगर सर भी झुके तो गोविंदगंज वासियों के सामने झुके। और अपने फायदे के लिए, अपने पद को पाने के लिए मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता किसी का अपने के लिए। मुझे विधायक का टिकट दे दो, मुझे सांसद का टिकट दे दो, मैं पैर पकड़ लूं, ये राजन से हो नहीं सकता। राजन मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और कहना एक ही बात कि सर भी झुकेगा तो गोविंदगंज के लोगों के लिए झुकेगा, इसलिए झुकेगा कि जो मान सम्मान प्रतिष्ठा आप लोगों ने दिया वो कहीं मुझे नहीं मिला। तमाम फेसबुक किया लोग, तमाम फेसबुक किया लोग आजकल लिखते हैं राजन तिवारी गुंडा है, राजन तिवारी गुंडा है। अरे भाई गुंडा तो हमको कोर्ट ने नहीं साबित किया, हमारी जनता हमको गुंडा कहती नहीं, तुम चार चिरगुटों को लिखते रहे, हमारे कोई फायदा पड़ना नहीं। हमारी जनता हमको इसी रूप में पसंद करती है तो मैं उसी रूप में रहना चाहती हूँ। साल में नीतीश कुमार जी कहते हैं मंच पे जाके, सारे नेता कहते हैं भाइयों मुझे एक बार और मौका दो। भाई 15 वर्ष आप लोग लालू के राज को जंगल राज कहा, अरे आप तो महाजंगल राज के काबिल हो गए हो। आपको 15 सालों में शहाबुद्दीन का ही भूत दिखता है, शहाबुद्दीन का काम नहीं दिखा लोगों को। शिवान में शहाबुद्दीन ने जो एक ईटा रख दिया, उस ईटा के बाद आज तक दूसरी ईट नहीं रखी गई। जो हमारे दोस्त, हमारे अजीज मित्र शहाबुद्दीन भाई जो सिवान में जो स्ट्रीट लाइट लगाए रोड पे, और जो सड़क और जो आपको जल नल की जल की व्यवस्था की है, जो पानी टंकी की व्यवस्था की, जो क्या कहते हैं ग्राउंड की व्यवस्था की, फील्ड का उतना बड़ा ग्राउंड बनाए, जो मेडिकल का, जो शहाबुद्दीन ने कर दिया सिवान में, आज तक उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ है। सांसद तो कई बन गए, शेर को पिंजरे में रख देने से कोई गीदड़ नहीं बना सकता। साहब को हरा दिया लोग, ये दुर्भाग्य है कि काम करने वाला व्यक्ति को आपको हरा दिया, ठीक है, क्योंकि इसलिए हरा दिया कि उसमें पत्नी लड़ रही थी चुनाव और शेर पिंजरे के अंदर। जिस दिन मेरा भाई निकलेगा, मैं जानता हूं आज भी मुझे पता है कि जिस दिन मेरा भाई निकलेगा फिर से सिवान का सांसद होगा। और हम दोनों भाई दोस्त दुख के साथ ही, मैं भी जेल में रहा हूं कई सालों तक, कई वर्षों तक, 15 साल से ज्यादा, और बेदाग होकर निकला। कोर्ट ने साबित कर दिया कि राजन तिवारी के ऊपर कोई भी साक्ष्य सबूत नहीं है, इसलिए कोर्ट न्यायपालिका पे, न्यायपालिका के मैं इज्जत करता हूं, कद्र करता हूं कि झूठ केस में फंसाया राजन तिवारी को लोगों ने, क्यों फंसाया कि मैं गरीब मजदूरों का मदद करने वाला और मैं भाई जब कोर्ट से बरी हो गया, उसी तरह मेरा दोस्त भी कभी बरी को कराएगा, मुझे इतना अल्लाह पे भरोसा। और आप लोगों से बात करना चाहते हैं, ये गोविंद हम लोगों का, ये छोटा सा कुनबा है हम लोगों का, हम लोग भाईचारा बनाकर इसी तरह हम चाहते हैं आप लोगों से, ये आप लोग एक मुल्क जोकर अपने वोट को मताधिकार का प्रयोग करिए, राजनीतिक
बहुत सारे गांव में राजनीतिक पॉलिटिक्स होता होगा, कई लोग कई पार्टियों को लाते होंगे, लेकिन आपको मान सम्मान कौन देता है, आपको इज्जत कौन देता है, आपको प्रतिष्ठा कौन देता है, आपकी हक की लड़ाई कौन लड़ता है, आपको सम्मान कौन देता है, आपके आगे श्रद्धा कौन करता है, उसको देखना। अगर आपको लगे कि राजन तिवारी और राजीव तिवारी से मुझे अपमान है तो मुझे वोट मत देना, आप लोग मत देना। आप लोग मैं कहता हूं कहीं भी अगर आप लोगों से मैं कोई गलत काम किया हूं तो मुझे आप लोग घट वोट मत देना, लेकिन ये लड़ाई है, मैं हमेशा आप लोगों को मान सम्मान की दृष्टि से देखा, हमेशा इस गांव को जोड़कर जो चलना चाहा, हमेशा आपस में भाईचारा बनाकर चलना चाहा, इसलिए आप लोगों से वोट मांग रहा हूं। आप लोगों का एक मत राजू तिवारी को भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ा रहा है। सुनील मणि से मेरी लड़ाई थोड़ी ना है, जो व्यक्ति का पहचान एक भुजा वाली से है उससे मेरी लड़ाई है। जो व्यक्ति को 2002 में हमने चेयरमैन बनाया थे उसको, और उसके बाद 3 बार लगातार वो पति पत्नी दोनों हारते रहे, उससे हमारी लड़ाई थोड़ी ना है। हमारी लड़ाई राधा से है, और राधा मोहन से मेरी लड़ाई है, मुझे उसको आधा करना है। और आप लोगों से मैं इंतजार करता हूं, दरखास्त करता हूं आप लोगों से कि आप लोग आने वाले 3 तारीख को भूलिएगा मत, मैं बार बार नहीं आऊंगा कहने के लिए। अगर इस बार बनकुरवा गांव से मुझे वोट का प्रतिशत बहुत ज्यादा मिला तो मैं यहाँ पे इस गांव में दोबारा आऊंगा, और आपके गांव में विकास में अवरुद्ध हुआ हो तो सब कामों को पूरा करूंगा और आपके साथ बैठूंगा। हमसे और हमारे भाई से कहीं कोई त्रुटि हुई, कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता नहीं, अपने बड़ों से क्षमा मांगना। मैं कहा नहीं चीज कि मैं मेरा सर वही झुक सकता है जिसका नाम गोविंद नहीं, तो मुझे बेशक मुझे इस बात पे शर्म नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने कोई गलती अगर हो गई हो भूल चुके उसकी भी मैं क्षमा मांगने का सकता। इसलिए अब लास्ट शब्द मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग हाथ उठाकर एक बार कहें पश्चिम है हमारा काबा, पश्चिम है हमारा काबा, कहिए इस गांव से एक तरफा वोट मिलेगा राजू तिवारी को।